नमस्कार व्यापारी भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, दैट मीन्स अगर आप टीवी, फ्रिज, कूलर इन सब का हार्डवेयर टाइप का भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और उसका आपका शॉप है, तो आप अपने शॉप में बिलिंग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट का दो चीजें देखने वाले हैं, प्रोडक्ट को एड करना और सेल करना। देखिए, बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है ये, जो सॉफ्टवेयर मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि माई बिलिंग पैड का जीएसटी डिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले प्रोडक्ट, आप F1 बटन दबा के भी इसको ऐड कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे पूछना है प्रोडक्ट का नाम। अब प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके प्रोडक्ट का नेम हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे डाल दिया टीवी, मैंने यहाँ पे डाला टीवी और फिर मैं यहाँ पे टीवी का जैसे आप मॉडल देना चाहते हैं, कितनी इंची का वो देना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 32, मैंने यहाँ डाल दिया 32 इंच का है, मैं यहाँ पे इंची डाल दिया टीवी 32 इंच। अब ये किस कंपनी का है, अगर आपको कंपनी भी डालना है, स्टार्टिंग में डालना चाहते हो, और अगर आपको शॉर्ट में पहले डालना है तो पहले डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोडक्ट LG, इस प्रकार से आप यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया LG, ये देखिए LG TV 20 इंच यहाँ पे आ गया 32 इंच का। अब यहाँ पे देखिए ब्रांड, किस ब्रांड का है, अगर आपके पास ब्रांड पहले से एड है तो ठीक है, नया एड करना है तो एड ब्रांड पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए LG। देखिए, एक ही बार आपको ब्रांड भी बनाना है, एक ही बार आपको प्रोडक्ट भी एड करना है, फिर वो प्रोडक्ट आपको दोबारा कभी एड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ देखिए मैंने डाल दिया, देखिए जैसे यहाँ पे जितने भी ब्रांड है सारे शो हो रहे हैं, हमारा LG भी शो हो रहा है। अब बात आती है साइज की, जैसे हम मेरे पास LG की जो टीवी है कितने साइज में आती है, तो हम यहाँ पे साइज भी बना लेते हैं। एक बार ही बस आपको साइज भी बनाना है, दोबारा फिर आपको साइज बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे LG का साइज बना लिया एक बार, जैसे सब बोलते हैं यहाँ पे आता है जैसे 64, 32 इंच, मैंने इसको सेव कर दिया। और दूसरा जो हमारा LG में आता है 64 इंच, एग्जाम्पल के तौर पर आप जो भी आता है आप अपने हिसाब से इसमें एड कर सकते हैं। भी मैंने यहाँ डाल दिया 60 साइज होगी, आप साइज में चाहो तो अदर भी लिख सकते हो, अगर आपने वहां पे मेंशन कर दिया है और क्लोज कर दिया। यहाँ पे जैसे हम ये क्लिक करेंगे और ये LG लेंगे, तो LG में जो मैंने साइज बनाया वो शो कर देगा 32 इंच का, 64 इंच का मैंने लिया। वेयर यहाँ पे आता है कि आप किस टाइप के यहाँ प्रोडक्ट है, सपोज दैट ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक का है तो यहाँ पे हम इसको अदर में ले ले रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखिए आपको देखने को मिलेगा सब वेयर हमने अदर लिया। और यहाँ पे आता है पैटर्न, डिजाइन, मॉडल नंबर, आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही परचेस रेट सपोज जो टीवी हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 16,900 रुपए का हमारा ये परचेस रेट है। अब यहाँ पे सेल रेट की बात करें कि हम इसको कितने में सेल कर रहे हैं, जैसे हम इसको सेल कर रहे हैं सपोज 19,000 रुपए, ये देखिए हमारा 19,000 रुपए जो हो गया सेल रेट हो गया। प्री ऑर्डर पॉइंट कितना पीस रहे तभी हमें पता चल जाए, एक पीस ओपनिंग स्टॉक जैसे मैंने डाल दिया 10 पीस हमारे पास अभी से है, अगर आपके पास उस समय नहीं है तो आप यहाँ पे 0 डालेंगे, फिर हम उसको परचेज करेंगे तब स्टॉक आएंगे। अगर पहले से कुछ स्टॉक है तो हम इसको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में मेंशन कर देंगे। अगर आप GST दे के यहाँ पे परचेज किए हैं तो आप GST डाल दीजिए, 3% GST लगा है, ठीक है, जैसे 18% लगा है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपकी जो भी लगता होगा आप उस हिसाब से लगाइएगा, 99 यहाँ पे हमने डाल दिया। और फिर यहाँ पे क्वांटिटी आता है, तो क्वांटिटी जो हमारा ये है यहाँ पे PCS पीस में है, मैंने यहाँ इसको भी PCS में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, उसका बारकोड देखेंगे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेट करके देगा 008, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। उसी प्रकार एक प्रोडक्ट हम और एड कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमें वोल्टास का AC एड कर लेते हैं, AC 1.5 टन, ठीक है। यहाँ पे वोल्टास आपको टाटा ब्रांड एड करना है तो यहाँ पे आप सिंपली फिर से न्यू पे क्लिक करके टाटा ब्रांड एड कर लीजिए, साइज में आप यहाँ पे एक अदर बना लीजिए जो भी हो। तो एग्जांपल के तौर पे भी मैं क्या करता हूँ, एक साइज बना रहा हूँ जिसको मैं साइज बनाऊंगा अदर नाम से। अब मैंने टाटा लिया, यहाँ मैंने एक अदर बना लिया, या तो आप 1.8 टन जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने क्लोज किया, अब मैं यहाँ से वोल्टास लिखा, मैंने यहाँ से टाटा लिया, मैंने यहाँ से इसको अदर लिया। अब मैं यहाँ इसका रेट डाल देता हूँ, जैसे बोले 25,000 रुपए का इसका परचेस रेट पड़ रहा है और सेल इसको हम करने वाले हैं टोटल 35,000 का।
सिंपली कितनी भी से 10 क्वांटिटी में यहाँ पे बार कोड इसका नो हो जाएगा हमारा और सिंपली इसको भी हम क्या कर लेते हैं शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली शिफ्ट, दो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब इसको हम बिल कैसे बनाएंगे, सबसे अच्छी बात है कि इसमें बिल बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है सेल पीओएस बटन पे क्लिक करना है तो आपका एक्सेल पैनल ओपन होके आ जाए। यहाँ पे देखिए आपको अगर कैश में बिल बना रहे हैं तो कैश में, अगर किसी कस्टमर का बना रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट उसका मोबाइल नंबर डालिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको कस्टमर की नेम से भी बना के दिखा देता हूँ, जैसे 9080789060 मैंने एंटर किया। यहाँ पे कस्टमर का क्या नाम है, जैसे सपोज कस्टमर का नाम है रमाकांत, मैंने यहाँ पे फिर से टैब बटन प्रेस किया। यहाँ पे एड्रेस उनका क्या है, जैसे मैं भी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ लोकल। फिर मैंने यहाँ पे टैब बटन प्रेस किया, सिटी क्या है, जैसे मैंने डाल दिया लोकल। आप जो भी सिटी होगा आप डाल सकते हो यहाँ पे। फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया, स्टेट इनका जैसे उत्तर प्रदेश है, हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लिया। पिन कोड इनका अगर डालना है डालिए, नहीं स्किप भी कर सकते हैं डिटेल्स। इनका पिछला कोई लेन देन है बुकाया है अगर, तो आप यहाँ पे इसको DR में ले सकते हो, CR में कर सकते हो, जो भी है ले भी सेव कर लीजिए। जैसे आप सेव करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे रमाकांत के नाम से बिल बनने वाला है। सिंपली कौन सा प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज भी सेल कर सकते हो। जैसे मुझे प्रोडक्ट सेल कर सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया था प्रोडक्ट एल, ये देखिए LG का TV ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपको यहाँ से बार कोड है उस प्रोडक्ट में तो आप डायरेक्ट बार कोड स्कैन कर लीजिए, जैसे 3008 मैंने स्कैन किया, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गया। मैंने जो रेट डाला था 19,000 रुपये सेल का वही पकड़ रहा है। सामने वाले को अगर आपको डिस्काउंट यहीं से देना है तो आप यहाँ से भी डिस्काउंट दे सकते हैं अमाउंट वाइज भी, और यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज भी। जैसे सपोज मुझे 10% का इसमें डिस्काउंट देना है, ये अपना बंदा है वो बोल रहा है भाई हमको डिस्काउंट चाहिए, हमने 10% डिस्काउंट दे दिया। अब इसको देखिए सामने वाले को कितने का पड़ने वाला है, 19 रुपये का इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको टोटल इतना पे करना पड़ेगा, जिस चीज में हमारा GST भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, जैसे सपोज दैट इस सेल रेट हमारा, यहाँ पे क्वांटिटी जितना आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, एक पीस है, दो पीस है, तीन पीस है। फिर आप जैसे अपडेट करेंगे तो अपडेट ऑटोमेटिक इसमें एड हो जाएगा। इसमें देखिए GST 1500 लग रहा है, 1500 ये टोटल हमारा डिस्काउंट, हम इसको 1900 रुपये का दे रहे हैं, टोटल 1700 यहाँ पे 17,100 रुपये यहाँ पे देखिए सब टोटल आ रहा है डिस्काउंट के बाद। उसके बाद हमारा टैक्स लगने के बाद इतना हो रहा है। अब इसका बिल बनाना है, सपोज दैट हमारे यहाँ से TV लेने के बाद वो बोला कि हमको वोल्ट आता है फ्रीज, आप फ्रीज हो या तो जो भी प्रोडक्ट आपका, जैसे यहाँ पे मैंने AC एड किया तो मैंने यहाँ पे AC डाला और यहाँ पे वोल्टास, मैंने यहाँ पे वोल्टास प्रेस किया, यहाँ से ले सकते हैं वोल्टास। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 1 आ गया, रेट ऑटोमेटिक लग गया। अब यहाँ पे ऑप्शन ये आता है कि भैया आपको ऐसा करना है कि मुझे एक ये भी चाहिए, मैंने इसको भी एड कर दिया। आप एड करने के बाद सिंपली क्या है, सेटल बटन पर आप क्लिक कीजिए, F2 बटन दबाइए, ये देखिए बिल बन के आ गया। बिल में साफ साफ बन बोल रहा है 61,468 रुपये का आपका बिल बन रहा है। सामने वाले ने बोला 20,000 मुझसे कैश ले लीजिए, पूरा कैश में भी अगर दे रहा है कैश ले लीजिए। अगर उस जैसे जैसे पेमेंट दे रहा है आप, अगर वो दो मोड में पेमेंट कर रहा है, जैसे कैश भी कर रहा है और बोल रहा है हम कुछ ऑनलाइन भी देंगे, तो आप दोनों भी इसमें एडजस्टमेंट कर सकते। जैसे 20,000 उसने कैश दिया तो उसको अभी 41,478 रुपये और देने हैं, तो उसने बोला भैया मैं 41,478 रुपये जो है आपका वो मैं आपको ऑनलाइन देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन में डाल के कस्टम QR कोड में क्लिक कर दीजिए, तो ये 41,478 रुपये का QR कोड बन गया। सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए। इतना यहाँ पे बहुत ही इजी है। अब अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मुझे बैलेंस क्रेडिट में भी करना था तो आप यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट में डाल सकते हैं। मैं एक और बिल बना के दिखा देता हूँ क्रेडिट वाला, पहले इस बिल को जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे प्रिंटर लगा रहेगा तो आपका डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, और अगर आपका भी प्रिंटर नहीं लगा हुआ प्रेजेंट टाइम में तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं आपको बिल दिखाना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पे देखिए A4 साइज में आपका बिल आ गया। यहाँ पे आपके दुकान का शॉप का नेम हो जाएगा, आपका एड्रेस, आपका स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, GST नंबर जो भी होगा। फिर कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका कौन सा प्रोडक्ट है ये देखिए यहाँ पे, ठीक है TV आ गया आपका। फिर यहाँ वोल्टास ये जो भी था आपका AC का वो आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम कि टोटल कितने का बिल बना। यहाँ पे देखिए ग्रास टोटल आ गया आपका, नेट टोटल यहाँ पे आ गया आपका। अभी मैंने जो बोला था डायनेमिक QR कोड के लिए, देखिए यहाँ पे डायनेमिक ही बना है। मैंने जो वहाँ पे डाला था 41,478 रुपये का ऑनलाइन, तो 41,478 का ही ये QR कोड बना है, पूरे का आपका बना हुआ है। इस प्रकार से बिल में भी हम अच्छे समझ सकते हैं कि 54,000 का टोटल बिल हुआ, जिसमें डिस्काउंट 1900 रुपये मिला है। यहाँ पे CGST हमको 4,689 रुपये और SGST 4,689 रुपये टोटल जुड़ के हमारा इतना हो रहा है राउंड, ठीक है। तो आप जैसा भी चाहेंगे बिल को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं, जैसा आप बोलेंगे वो कंपनी आपको बना के देगी ऑटोमेटिक, जैसा डिजाइन बोलेंगे जैसा लोगो बोलेंगे। इसमें कुछ चेंजेस करना, नीचे आप टर्म एंड कंडीशन में जो डालना चाहते हैं, रिटर्न पॉलिसी जो डालना चाहते हैं,
वो सारी चीज यहाँ पे टर्म कंडीशन में डाल सकते हैं। यहाँ पे अथॉरिटीज का सिग्नेचर मतलब आप अपना साइंटिफिक बिल दे सकते हैं। इस प्रकार आप अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बहुत ही आसान तरीके से प्रोडक्ट को एड कर सकते हैं और बिल बना सकते हैं। मजेदार बात यह है कि आप जब भी इस बिल को दोबारा आपको प्रिंट करना हो तो आप सिंपली यहीं से आप उस बिल को भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको गेट डाटा पे जाना है, यहाँ पे देखेंगे कि हमें आज के डेट का देना है तो यहाँ पे फॉर्म और टू में सेम आज का डेट लेना है। गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो देखिए बिल आज के डेट में जो कटा होगा आ जाएगा, क्लिक कर लीजिए सेम वही बिल आ गया। अब आप यहाँ पे फिर से प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से प्रिंट हो जाएगा, जितनी बार भी चाहे आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये डाटा ऑटोमेटिक सेव रहेगा आपके ही टॉप आपके ही पीसी में। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आपको बिल करना बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो आप दिए गए नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप के जरिए कॉल के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।